तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में सचिन जी के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। जी हाँ, वीवीए प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ बातचीत करेंगे इफ कंडीशंस की और नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब कि नेस्टेड इफ ना आपका कोई कंडीशन नहीं होता, बट एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, उसके अंदर चौथा इफ, ऐसे कई सारे इफ हम लगाते हैं, एक तरह से जाल बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग नेस्टेड इफ कहते हैं। तो चलिए हम आपको स्क्रीन देते हैं और बताते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले चीज को जानिए कि मेरे पास जो है एक डेटा है स्टूडेंट का, राइट। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और यहां पे मुझे पास और फेल करना है, हमें पास और फेल करना है। तो कैसे होगा पास और फेल? तो अगर हम हमें पता है कि सारे सब्जेक्ट में 33 से ऊपर हो तो पास, अदरवाइज फेल करना है। तो हमने यहां पे इफ फॉर्मूला में एंड फॉर्मूला लगा के किया हुआ है। तो इसको अगर वीवीए के थ्रू करना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम एक बार एक मॉड्यूल्स लेते हैं, सब्जेक्ट आरा, यहाँ पे इफ _1 ब्रैकेट ओपन क्लोज नेम दे दिया, और यहां पे हम देते हैं इफ रेंज d2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यहां पे एन लगाना पड़ेगा, मल्टीपल कंडीशन है ना, इसलिए देन रेंज p2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तीसरा, चौथा कंडीशन, तीसरा कंडीशन रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगेन चौथा कंडीशन के एंड रेंज p2 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो क्या हो, रेंज f2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, एल्स समझ गए, ये समझ में आया सर आपको? हाँ सर, ये वाली तो आई समझ में। लेकिन ये तो सिर्फ एक सिंगल सेल का यूज हो रहा है ना, हाँ सिंगल का हो रहा है ना, बट मैं चाहता हूं कि सारे सब्जेक्ट का। तो जी दो चीजें हैं, एक पहला है कि मैं इसको कॉपी करके जितना बार है उतना बार पेस्ट करूं और यहाँ पे 2 3 4 5 रो चेंज कर दूं, क्रिटिकल हो जाएगा, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या लूप्स लूप्स यूज करेंगे ना सर। लिए? आवाज आ रहा है सर? हाँ, मैं बोल रहा हूँ लूप्स यूज करेंगे ना। जी हाँ, 4 सॉरी 4 i इक्वल टू चले 2 से कितना 9 था, हमने 2 क्यों लिया इसमें, 1 क्यों नहीं किया? दूसरे रो से है। हाँ, दूसरे रो से अगर हम 1 करते, 1 2 हमें 9 चलना, 8 चलना पड़ता और हमें +1 करना पड़ जाता यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको कॉनकेटनेट करके आई डाल देते हैं, आई, और यहाँ भी हम कॉनकेटनेट करते हैं एन में आई, और यहाँ भी कॉनकेटनेट करते हैं एन में आई, ठीक है। जी इसको रन करूंगा, यहाँ पे f2 है, f के जगह पे भी n% i, और यहाँ भी f2 में यहाँ n% i कंबाइन हो जाएगा ना, ताकि 2 3 4 5 बनता रहे। तो इसने वर्क किया और यहाँ पे पास और फेल डाल दिया, समझ गए। जी अब क्वेश्चन यहाँ पे अगला आता है कि हम इसमें नेस्टेड इफ क्यों इस्तेमाल करेंगे।
रीजन ये है कि यहाँ पे फेल के जगह पे मुझे बताना है कि किसी यहाँ पे S3 फेल कि सब्जेक्ट थ्री में, पहला सब्जेक्ट थ्री में क्रॉस लगा हुआ है, इसमें इसमें भी सब्जेक्ट थ्री में क्रॉस लगा हुआ है, इसमें भी सब, इसमें सब्जेक्ट टू में क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है जी, सब्जेक्ट टू क्रॉस लगा हुआ। ऐसे मुझे मतलब कि हर किसी कंडीशंस पे अगर अलग रिजल्ट है हमारे पास, मतलब कि यूज या और का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास कई सारे कंडीशन पर रिजल्ट वन ही होते हैं, चाहे वो ट्रू पार्ट में हो या फॉल्स पार्ट में, समझे? ओके सर। यहाँ पे ट्रू पार्ट में तो चलो रिजल्ट एक ही है, पास है, बट फॉल्स पार्ट में मेरे पास कई सारे रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पे हम एंड का मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझे? अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि अप्लाई करेंगे तो आप वन बाय वन करेंगे, जैसे आपने वीडियो में देखा था तो समझ में नहीं आया कि मैंने एक ही बार सारा इफ अप्लाई कर दिया था, बट अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करें तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो क्या स्टेप बाय स्टेप है? हमने बोला यहाँ पे कि इफ रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो यहां पे एल्स, क्योंकि रिजल्ट अलग अलग किसका है? हमारा फेल का है ना, वन फेल, ओह गलत कर लिया, रेंज एफ टू डॉट वैल्यू भी कर सकते हैं, पर यहां पे एक ही कंप्लीट हो गया सर, क्या एक ही कंप्लीट हो गया ना, एक कंडीशन कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, अब मुझे क्या है कि दूसरा के मतलब कि अब क्या है कि इसमें में पहला अगर 30 से ऊपर है तो दूसरे को चेक करेगा, नहीं तो सीधे नीचे का दे देगा जी, तो दूसरे को चेक करेगा, यहाँ दूसरा का देना पड़ेगा, और हम बोला था जैसे कि आपको थोड़ा सा गैप करके दे ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसको चेंज करेंगे तो आपको आसानी रहे। रेंज बी टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन एल्स, अगर यहाँ पे एल्स स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ हम करते हैं रेंज टू और वैल्यू इक्वल टू सब्जेक्ट टू फेल, समझे? मतलब जी सर कि अगर इस ए इफ पे कब आएगा, जब पहला इफ होगा, मतलब कि पहले जो हमारा बी कॉलम में अगर ग्रेटर देन 30 हुआ तभी वो सी कॉलम को चेक करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे आपको उसका एल्स रिजल्ट पे कर देगा और बाकी सारे इफ कंडीशन को छोड़ देगा जी। और दूसरा इफ तीसरे इफ को कब फॉरवर्ड करेगा? जब उसका सी कॉलम में भी 3 से ज्यादा है तो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, रेंज बी टू डॉट डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 and as range 2 dot value equal to subject 3 fail. Okay? Yeah. हेलो, हाँ सर समझ में आया ना सर ये? हाँ हाँ, ये वाला ही समझ में। दैन यही सेम उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे E2 करूँ, E2 dot value is greater than equal to 30, दैन
Then range. चौथा कंडीशन होगा तभी यहां पे पास, यहां पे F2 पास होगा, अदरवाइज फेल होगा. Range. फोर. इसी को मैंने वीडियो में, मैंने क्वेश्चन तो सेम ही था ना सर वीडियो में. हाँ सर सेम था, बट उसमें क्या हुआ कि मैं जैसे कि मैं एक ही साथ सारा लगा दिया हुआ था, इसलिए आपको समझ में ना आया. वन बाई वन किया, पहले एक वीक को कंप्लीट किया, देन दूसरे को, देन तीसरे को, देन चौथे को. सर मेरा डाउट ये है कि जो F2 वैल्यू है वो कैसे पहचानेगा कि B2, C2 या D2 किसमें पास है, फिर कैसे कंपेयर, कैसे आपको समझाने को इस सब्जेक्ट का. जो इफ का रनिंग का प्रोसीजर है, जैसे पहले इफ है, सबसे पहला आपका इफ है, समझे. सिंपल सी बात है ना कि मान लीजिए कि एक सर्कल है आपका, राइट, इसके अंदर एक और सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है, और इसके अंदर एक और सर्कल. आपको इस सर्कल पे पहुंचना है तो पहले आपको यहां दरवाजा बनाना होगा ना सर. देन यहां दरवाजा बनाएंगे, देन इसको पार करेंगे, देन यहां पहुंचेंगे ना. ओके ये आ गया पहला इफ. अगर पहला इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो दूसरे इफ पे जाएगा, नहीं तो सीधे फेल हो जाएगा. ओके देन दूसरा इफ तभी वर्क करेगा जब कंडीशन ग्रेटर देन 30 से ऊपर होगा, तभी वो तीसरे इफ को देगा, नहीं तो सीधे यहां आ जाएगा. और तीसरा इफ भी अगर 30 से ऊपर हुआ तो चौथे को देगा, नहीं तो सीधे यहां पे आ जाएगा. और चौथा इफ चला, चौथा इफ पे है तो यहां पे पास आएगा. तो अगर इस चौथे इफ पे पहुंच गया, इसका मतलब है कि तीन इफ पार कर गया. जैसे यहां पे अगर चौथे सर्कल में अंदर घुस गए, इसका मतलब है कि आपने तीनों सर्कल के लिए दरवाजा बना. ओके समझ गया ना. ओके तो यहां पे कुछ ऐसा कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई तीन में दरवाजा बनाया नहीं बना, आपने यहां पहुंच गया मतलब कि तीन को पार करके ही पहुंचे हैं आप. क्योंकि ये तीनों ए जो है इसके अंदर में है, ए इसके अंदर में है, और ए इसके अंदर में. तो okay, जो आपका सेम चीज यहां पे मैं क्लियर करता हूं आपको, यहां पे सेम चीज है, इसी के इफ के अंदर में बाकी सारा इफ है, और इसके अंदर में ए इफ है, और इसके अंदर में ए इफ है. ओके सर. तो इसमें सिंपल सी बात है कि वहां पर पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि वो पास है, तीनों इफ को पार करके आया है. ठीक है सर. ओके क्लियर है. विदाउट इसमें नहीं, इसमें डाउट नहीं है. और ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको समझ में आता कब, जब आप एक्सेल वाला पार्ट बताते. एक्सेल में इसी चीज को करने के लिए हम इस तरह का पार्ट अपनाते हैं कि इफ पहला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो दूसरा इफ चले, अगर दूसरा है ग्रेटर. सर मैंने कल ये किया था, मैंने कल ये किया था, प्रोग्रामिंग किया था सर, लेकिन वो रन ही नहीं कर रहा था. तो रन नहीं कर रहा था, कहीं पे आपने गलत किया हुआ, कहीं पे आप else if छोड़ दिए होंगे. देखिए जितने if है 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपका, जैसे इस तरह के डिजाइन बनाने के लिए क्यों कहता हूं मैं, क्लास का से बोला था ना, क्योंकि इससे पता चलता है कि से डाला है ना, तो फिर इसी तरह से हम बाहर भी आ रहे हैं. ओके इससे पता चल जाता है कि कौन सा if. अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके नीचे एल्स नहीं है, इसके नीचे एल्स है, मतलब इसका एल्स हमारा छुटा हुआ है. समझे. ठीक है सर. सर मुझे डाउट, हाँ सर मुझे डाउट था, वो जो सब्जेक्ट में आपने लूप में नहीं लगाया था सेल्स वाले में, रो और कॉलम के लिए आई कॉमा जे ऐसे करके था, वो वाला समझ में नहीं आया था सर. क्या बोला, आई कॉमा जे मतलब सेल्स में सेल्स लेकर हम लोग नहीं लूप चला रहे थे. हाँ देखिए लूप में, हाँ लूप जो है, जैसे हमने आपको बोला था ना
हम यहाँ पे रेंज ए वन भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना डॉट वैल्यू, या हम कर सकते हैं सेल्स वन कॉमा वन, राइट, तो डॉट वैल्यू। अब मैं अगर मान लीजिए वन हमारे पास, मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए कि i इक्वल टू वन डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे e के साथ कंबाइन करके i कर दूं या फिर यहाँ i कर दूं, बात तो बराबर ही है ना सर? हाँ हाँ समझ गया ना। हाँ ये चीज मैं आपको पढ़ाया था, बताया था आपको मैं, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाए, मतलब कि समझ गए, आप इसको रिकंसीडर नहीं कर पाया। नहीं सर, समझ में आया था मुझे, ये वाला तो सिंपल था, ये तो मुझे समझ ही में आएगा। ऑफकोर्स ये जो कल शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो अभी जो आपने बताया, एक तो इसमें प्रॉब्लम था और एक दूसरा था जिसमें सब्जेक्ट कंपेयर करा रहे थे। मैं आपको बताऊंगा, 30 मिनट के बाद एक उसका आता है जिसमें लूप चलता है और उसमें आपने एक अलग इंटीजर दिया हुआ था। एक मिनट सर, आप क्या कीजिए, जो मैंने आपको बना, जो पहले चीज आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले मेरी क्लास को या मेरे वीडियो को अब्सॉर्ब कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसको नकल करने के बाद अगर सक्सेसफुली रन हो जाता है, देन उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। तो आपने वही कर रहा था सर, समझ में नहीं आया, आपने उसको अप्लाई किया, अप्लाई करके ट्राई किया, सेम प्रोसीजर में ट्राई कर रहा था सर, सेम प्रोसीजर कल ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था सर। तो कोड है आपके पास, तो कोड का फोटो इसके कोड दीजिए आपने। एक सेकंड, मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी हाँ सर, शेयर कीजिए। तो आप जैसी प्रॉब्लम हुई मुझे, आप उसी समय अपनी इसका स्क्रीन का, कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मुझे देख के उसी समय पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। मैंने कुछ चेंजेस भी करके देखे बट कुछ